Hey guys, कैसे हो सब? So finally हमारी first morning मुक्तेश्वर में. हम लोग जहाँ रुके हैं उसका नाम है नंदन कानन होम स्टे. अभी हम वहाँ से निकल गए हैं. मैं उसकी भी व्लॉगिंग करूँगी, एक दिन दिखाऊँगी आपको कहाँ पे स्टे. इट्स अ होम स्टे और बहुत ही मस्त जगह लग रही है, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ से आए हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है. शांति है, सुकून है और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है. सो फाइनली वी आर गोइंग टू द मार्केट. बिकॉज मुँह साथ में है तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है. एक सेकेंड रखो, आराम से. सो स्लोप यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है तो हम आराम आराम से चलेंगे. बिल्कुल शांति. देखो क्लाउड्स आ चुके हैं नीचे. अबे अभी बुद्धू हाथ पकड़ के नीचे देख के चलो. तो नाउ एक मिनट रुको, वी विल वेट फॉर अ शेयर टैक्सी. शेयर टैक्सी में हम यहाँ से मार्केट जाएंगे. हैं अराउंड 4 किलोमीटर्स. सो हम दोनों सुधीर में तो चल लेते पैदल, लेकिन अम्मू है हमारे साथ. चल झूठा. नहीं मैं चल लेती, सबको पता है. भी झूठ बोल रही है, ये पैदल नहीं चल सकती. मैं जा रहा हूँ पैदल, ये लोग आएंगे दोनों शेयर टैक्सी. बकवास. देखो कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे, पूरा आपका नजारे हैं अच्छे से. शांति शांति है, सिर्फ आपको कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट्स की शोर आएगा, आवाज आएगा और कुछ नहीं आएगा. और बादल बेटा मस्त गरज रहे हैं. शांति शांति. वो सब कैब का वेट कर रहे हैं ना. आई एम सो हैप्पी. सो हम लोग वी आर वेटिंग फॉर टैक्सी, लेकिन सर हमें एक मिल गए उन्होंने हमें. अच्छा हमें थोड़ा सा मिस हो गया सर. तो हमें एक सर मिल गए, उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी कितने अच्छे हैं, मतलब अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करते हैं. सो अभी हम मार्केट जाएंगे और वहाँ से कुछ सामान लेंगे और फिर वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है ये सब हम आपको दिखाएंगे. मेरा भी है किस नाम से सर? अभी चला नहीं, मैंने डाला नहीं अभी. अच्छा. मतलब काम ही चला है. तैयार हो गया, मतलब मैंने सोचा इस बार से आप ही के पास आ जाएंगे. अच्छा बेसिक कंसर्न देखा कहीं बाहर? बारिश हो रही थी, उसमें यूं चल रहा था और यहाँ पे छाता खोल के बैठे गए. बारिश हो रही है तो मैंने कहा यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. सबको दिखेगी नहीं बट हाँ तेज हो रही है बारिश और यहाँ पे ठंड है तो ऑब्वियसली ज्यादा तेज लग रही है हमें. थैंक यू सर. यम्मी से वेजिटेरियन हॉट हॉट मोमोज है, खा के दिखते ना कैसे. देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं. चटनी धुआंधार चटनी लग रही है. कैसे हैं वो? अच्छे हैं. अच्छे हैं आप तो. कहते स्पाइसी होंगे, मैं नहीं खाऊंगी. अच्छा दिल्ली में भी स्पाइसी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है. क्लास जहर चटनी है. अच्छा आई एम गोइंग टू ट्राई माय मोमो नाउ. चटनी देखी कैसी है? मोमोज इतने सिंपल है ना, चटनी उतनी तबाही है. अच्छा है, अमू के लिए बेटर है. और अमू मास्क उतार के अपनी फॉर्म में आ चुकी है. इट्स सुपर गुड. चाउमीन, ये हमारी चाउमीन, बट एक्चुअली चाउमीन नहीं है, लाइट सोया सॉस डाली है, तरीके से बनाई है तो अच्छी लग रही है मुझे देखने में. गंदी वाली नहीं है, जो चाउमीन जैसे कहते हैं ना चाउमीन वो नहीं है. गाइस नूडल्स हैं, चाउमीन तो बिल्कुल नहीं है, चाउमीन तो काली काली होती है. नूडल्स लाइक थोड़े से एवरेज लगे बट मोमोज बड़े ही धुआंधार है, बहुत टेस्टी लगे. मुझे तो मज़ा आ गया खा के. और हमने एक प्लेट और मोमोज ऑर्डर कर दिए. ये देखो मेरे बुक्कड़ पति को. आई लव टू ईट मोमोज. इट इज ऑसम. ये हमारी चाय, हम लोग हर एक घंटे पे चाय पी रहे हैं. फिर पहाड़, बारिश और चाय का कॉम्बिनेशन ही अलग है. हम लोग अपने साथ चाय बनाने का सामान भी लेके आए हैं, जो कि हमें हर घंटे में चाय चाहिए होती है. इसलिए फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं. थैंक्स टू सर, इन्होंने हमें लिफ्ट दी आते जाते. इनके पीछे बेटी है, बड़ी प्यारी सी, नेहा नाम है इसका. ये हम उनकी फ्रेंड बन गई है.
हम लोगों ने काफी सामान भी ले लिए, अब हम लोग थोड़ा जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, चाय पियेंगे। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर हाई कर दीजिए, इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया। एंड वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू ट्रैवल ट्राई टू इंटरेक्ट विद लोकल पीपल आर रियली नाइस एंड हम्बल। बाय बाय, टेक केयर। सो आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा हम सामान भर के ले आए हैं और बहुत ही अच्छे बंदे थे, बेचारे ने कुछ चार्जेस भी नहीं लिए हमसे। सो आप देख सकते हो कि पहाड़ों में लोग आपको कितने अच्छे और कितने शरीफ मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, हमेशा हेल्प कर देते हैं। हाँ, उन्होंने एक्चुअली हमें देखा और वो रुक गए, उन्होंने हमसे पूछा आपको जाना क्या, हमने कहा हम टैक्सी का वेट कर रहे थे, उन्होंने बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो यू कैन सी कि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो अब फाइनली हमारे पास मंचिंग के लिए सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। इंडक्शन वो अपना लेके आया है क्योंकि सुधीर को आपको पता है हर एक घंटे में चाय चाहिए होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।